मस्त ट्रैफिक में फंस चुका हूँ मैं। ना आप ट्रैफिक में चलाते हो ना, बाइक उतना ही ज्यादा हीटअप होती है। ऐसे नॉर्मल 300 cc 400 cc के जैसा नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा है। ये क्या है आई डोंट नो, बट हेलो देयर गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूं, ज़बरदस्त हूं। मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा न्यू टाउन के ये वाले एरिया में, ये है इको पार्क। एंड ये ऐसा है कुछ जगह, ये इको पार्क के पीछे वाला जगह है बेसिकली, नॉट एग्जैक्टली इको पार्क। और यहाँ से आप जा सकते हो धमसा ट्राइबल किचन की तरफ। ऐसा है कुछ ये जगह, ये काफ़ी अच्छा लगा। मैं थोड़ा फोटोशूट वगैरह कर रहा था तो यहीं रुका हुआ था, यहीं से दूसरा वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पहला वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो आप देख लेना, चैनल पे है। एंड अभी आपको मिलते हैं सैडल के ऊपर, निकलते हैं अब घर की ओर चलेंगे। रास्ते में आपको दिखाएंगे कोलकाता एंड कुछ बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वाले एरिया में मेरे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है। या लोग यहाँ पे जब भी मौका मिलता है सुबह सुबह आते हैं गोल्फ वगैरह खेलने। मैंने देखा है, मैंने खेला तो नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं आप देख सकते हो, पता नहीं गोप्रो में कितना दिख रहा होगा। बट ये काफ़ी अच्छा जगह है, पूरा फील्ड है एकदम, पूरा प्लेन प्लेटो टाइप का है और मैनमेड है ये, नेचुरली नहीं था। काफ़ी अच्छा है, अगर आप यहाँ पे हो तो आके देख सकते हो, यहाँ पे घूम सकते हो। ये इको पार्क का पीछे वाला रीजन है। और शाम के हो चुके हैं 4:30 और मैं अभी आया था इको पार्क, अब वहाँ से घर वापस जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, कुछ जूलॉजिकल कुछ तो है, एक बच्चों के लिए अच्छा है जगह। काफ़ी कुछ बन रहा है धीरे धीरे, मदर्स वैक्स म्यूजियम एंड लेफ्ट में एयरपोर्ट। हालांकि आप राइट से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है ये जगह, थोड़ा खाली रहता है इसलिए मैं आ रहा था यहाँ पे बाइक वाइक लेकर, थोड़ा घूम घूम के रिफ्रेशमेंट हो जाता है। हालांकि हर जगह स्पीड ब्रेकर है, मज़ा सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही है, उसके बाद अरे वाह गौ माता एकदम से कूद पड़ी। और क्या है कि इनलाइन फोर का आवाज़ सुन के थोड़े जानवर लोग थोड़े वो भी हो जाते हैं, एनिमल्स लोग थोड़े प्रोवोकेट हो जाते हैं, और प्रोवोक हो जाते हैं तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है। रास्ता का कंडीशन चारों तरफ खराब ही है यार, यहाँ पे भी एकदम लूज ग्रेवल्स हैं, बहुत स्लिपरी टाइप के हैं। और ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ना, ये इतने शार्प हैं कि टायर वायर काट देते हैं। ऐसा है कुछ, थोड़ा भगाते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट करके ज़रूर जाना, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो भी बताना, बुरा लगा हो तो भी बताना, और क्या नया चाहिए आपको इस चैनल पे वो भी ज़रूर बताना, बाइक के बारे में क्या जानना चाहते हो वो भी बताना। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मिनिमम हाइट क्या चाहिए इस बाइक को चलाने के लिए, ZX4RR है ये बाइक, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपको बता दूँ, दिस इज़ ZX4RR कावासाकी निंजा। एंड ये बहुत ही यूनिक बाइक है। एंड इस बाइक को इंडिया में तो ये अभी ही लॉन्च हुआ है और कोलकाता में ये पहली बाइक है। एंड बाहर में तो पहले यूएस में, यूके में तो पहले से था, एक साल पहले ही लॉन्च हो चुका था ये, एक साल या दो साल पहले लॉन्च हो चुका था, बट इंडिया में अभी आया है। ये ईस्ट इंडिया का इकलौता बाइक है एंड फर्स्ट है मेरा, फर्स्ट यानी कि इकलौता है यानी कि फर्स्ट ही रहेगा। अभी पता नहीं और कोई बुकिंग्स हैं कि नहीं, बट यस आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट दिस बाइक डिलीवर्ड। आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप ख़रीदना चाहते हो इस बाइक को तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ जानकारी चाहिए तो। हल्की फुल्की रिव्यू भी मैंने कर रखी है इस बाइक के ऊपर, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पर। मस्त ट्रैफिक में फंस चुका हूँ मैं, आप देख सकते हो चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लाइन लग चुकी है।
और अपने बीच में है। ये वाला सिग्नल बहुत हमेशा हर बार ही मेरे को परेशान करता है। ये सिग्नल पे हमेशा बहुत ही लंबा लंबा लाइन रहता है और आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, लंबा फंस चुका हूँ मैं। देखते हैं 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, आपको बताते हैं कब निकल पाते हैं इस सिग्नल से। तो भाई साहब वो भीड़ से तो मैं निकल चुका था 5-10 मिनट के अंदर ही, बट अभी सामने में मेरे को काफ़ी फिर से भीड़ दिख रहा है। और ये है वो हल्दीराम वाला जगह, हल्दीराम वाला सिग्नल कहते हैं इसको, जो भी है। आप अगर यहाँ से हो तो आपको पता होगा, और नहीं है तो आप जान लो। तो यहाँ पे भी सिग्नल है, हालांकि यहाँ से मैं लेफ्ट ले लूँगा और सर्विस लेन पकड़ के वो मेन VIP रोड में चढ़ जाऊँगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, हल्की फुल्की भीड़ तो है। कोई नहीं, अभी जितना ज़्यादा आप ट्रैफिक में चलाते हो ना बाइक, उतना ही ज़्यादा हीटअप होती है। 102 डिग्री हो चुका है अभी टेम्परेचर बाइक का, एंड हीट भी मेरे को लग रहा है हल्का फुल्का। पैर पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ मैनेजेबल है। बट हाँ, अब ऐसे नॉर्मल 300 cc 400 cc के जैसा नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। बट हाँ मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि डील ब्रेकर है, तो आप ले सकते हो, वो कोई इशू नहीं होगा। भीड़ आजकल चारों तरफ होने लगी है यार, क्योंकि लोग आजकल वीकेंड्स में निकलने लगे हैं ना शॉपिंग वॉपिंग के लिए। सो यहाँ इस स्ट्रेच में हालांकि इतना गाड़ी मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब सैटरडेज़ को। नॉर्मल वीकडेज़ में तो होता होगा, बट अभी सैटरडेज़ को इतना ज़्यादा है, मतलब हाँ लोग निकल रहे हैं अभी। थोड़ा टाइम भी हालांकि ज़्यादा नहीं हुआ है, ऑफिस छुट्टी का टाइम तो नहीं है, ये 4:30 हो रहा है। कुछ कुछ लोग हैं, बट फिर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब भगा नहीं पाएंगे। और ये फ्लाईओवर में चढ़ने के लिए भी इतना ज़्यादा भीड़ है क्या? वाह, शायद बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखा है और एक गाड़ी शायद वहाँ सामने फंसी पड़ी हुई है, या फिर रोक रखा है चेकिंग वेकिंग के लिए। 11 to 6 PM इस फ्लाईओवर पे बाइक्स अलाउड नहीं है गाइज, अगर आप लोग हो यहाँ से तो देख लो ताकि आपको पता रहे। ये देखो भीड़ देखो, यहाँ पे रोक के ट्रैफिक बढ़ाने का क्या मतलब है, मतलब सीरियसली भाई यार, कहीं पहले रोक लो। ऐसे कंजेशन क्रिएट करके क्या फ़ायदा, ट्रैफिक आप लोगों को स्मूथली पास कराना है या कंजेशन बढ़ाना है, आई डोंट अंडरस्टैंड एट टाइम्स। बिकॉज यहाँ पर तो वैसा ही कुछ दिखता है मेरे को, कंजेशन बढ़ाने के लिए बैरिकेडिंग्स एंड ऑल लगाते हैं, एंड देन उस बैरिकेडिंग के सामने रुक कर पैसे वैसे लेते हैं, पता नहीं क्या है, चलान वलान करते हैं। बट एनीवेज गर्मी अब बढ़ रही है धीरे धीरे। इस बाइक के मज़े यानी कि बेनिफिट्स ये भी हैं एक, कि दर हल्की है ये बाइक, जस्ट बिकॉज ये 400 cc की बाइक है तो ये काफ़ी हल्की है। एंड इसमें मज़ा इनलाइन 4 का आता है, और ट्रैफिक में मैनूवरिंग भी बहुत इजी है क्योंकि हल्की है, तो टेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स काइंड ऑफ है ये। सो अगर आप लेना चाहते हो इस बाइक को तो आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि सिटिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं होना पड़ता है। हालांकि निंजा 300 से थोड़ा ज़्यादा है ऑब्वियसली, जो कि होना चाहिए जस्ट बिकॉज इट इज़ अ ट्रैक ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ मशीन। बट हाँ, इट्स नॉट लाइक ZX 6R और 10R की बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, बहुत ज़्यादा पावर है, एंड बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, ये क्या है, क्या करना है, ये यहाँ की रोक रखे हैं। ये क्या है आई डोंट नो, बट जो भी है बंगाली में वैध लाइसेंस छाड़ा गाड़ी चलावे ना, अच्छा वैलिड लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाइएगा, ये लोग कह रहे हैं। सो ऐसा है कुछ इन लोगों का। ये मैं फ़ोन निकालने ही वाला था कि दे आर डन, सो लेट्स मूव। ये सिग्नल रेड है एंड यहाँ रुकते हैं। ये है क्लॉक टावर, काफ़ी सुंदर सा है।
ये देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूजा का पंडाल का पूरा तैयारी चल रहा है, एकदम बांस वांस बैम्बू वैम्बू रख रखा है, जहाँ तहाँ ये सब होर्डिंग लगाने के लिए ये जगह बन चुका है। एंड उस साइड में भी सेम है वैसा ही। सो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी पूरा अच्छा सा पंडाल वगैरह लगता है। श्री भूमि वाला पंडाल जो होता है कोलकाता का बहुत बड़ा फेमस है, आप लोग गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। काफ़ी अच्छा कुछ डिज्नीलैंड वगैरह बनाया था लास्ट टू लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर, आई एम नॉट श्योर। एक बार बुर्ज खलीफा भी बनाया था कहीं, तो अब वो यहाँ बनाया था या कहाँ बनाया था मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ ऐसा कुछ है। सो अगर आप कोलकाता आने का प्लान कर रहे हो दुर्गा पूजा में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, आप आ सकते हो, पूजा एंजॉय कर सकते हो। और पंडाल वगैरह एक अलग ही अपना शार्म लेके रखता है कोलकाता इस टाइम पे। सो यस, अभी पीछे कुछ बच्चे थे जो निंजा देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे यार। लोग पहचानते हैं एक्चुअली ग्रीन कावासाकी यार, सीबीआर बीबीआर अगर फायर ब्रेड वगैरह हो ना, फिर भी लोग जल्दी नहीं पहचान पाते क्योंकि उतना ज़्यादा बिकता नहीं है और रोड पे दिखता नहीं है। सो वाह क्या राइमिंग था, रोड पे उतना ज़्यादा बिकता नहीं है और रोड पे दिखता नहीं है। सो एनीवेज, तो कावासाकी देख के लोग एक्साइट हो जाते हैं और निंजा सबको पता है। बट हाँ ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है मेरे को अभी, जैसे जैसे शाम हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा वीडियो बनाने में वहाँ पे इको पार्क में थोड़ा टाइम लग गया था, बट अभी ठीक है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, निकल जाएंगे। फोर व्हीलर रहने से दिक्कत है, बट हाँ बाइक का यही फ़ायदा है कि आप कितना भी ट्रैफिक हो आप निकल जाते हो आराम से, और लोग काफ़ी देखते हैं, सो रिस्पॉन्स वगैरह मिलता रहता है, अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा बहुत जहाँ भी जगह मिलता है ना भगा लो, क्योंकि फिर मौका मिलेगा नहीं शहर के अंदर में भगाने का। तो मैं तो मौका नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ भी जगह मिलता है मौका मिलता है मैं भगा लेता हूँ फटाफट फटाफट एकदम स्पीड में। इनको हटना नहीं है यार, और मैं आ गया एकदम सामने जैसे तैसे कैसे। इसका एक्चुअली ये जो है ना लुकिंग ग्लासेस जो है ये बहुत ब्रॉड हैं, सो काफ़ी वो हो जाता है, थोड़ा सोच समझ के निकलना पड़ता है वरना लग जाएगा कहीं ना कहीं, लगेगा तो टूट जाएगा। सो वो एक लफड़ा है, यहाँ का सिग्नल काम नहीं कर रहा है और पुलिसमैन जो है वो मैनुअल ये दे रहे हैं। सी निंजा 1000 है आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड में थी। एक ट्रैफिक से निकलो दूसरे ट्रैफिक में, ये गैप कितना होगा, हार्डली 20 meters, 20 meters भी नहीं होगा शायद अगर एग्जैक्ट नापने जाओ तो। बट यहाँ पे ऐसा ही ट्रैफिक है भाई साहब, कुछ कर नहीं सकते। निंजा 1000 में पूरा पैनियर वैनियर सैडल स्टे का पूरा वो जुगाड़ लगा हुआ है, भाई शायद राइड वाइड पे जाते होंगे। और ट्रैफिक देखो यार राइट हैंड साइड में तो पूरा ट्रैफिक फंसा हुआ है एकदम। शाम होने को है, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5 o'clock इन द इवनिंग, बट हाँ ह्यूमिडिटी शहर में जैसे ऐसे जगह पे रोड पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब आपको राइडिंग जैकेट पहन के बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक वाटर बॉडी है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा नहीं वहाँ से गरम गरम हवाएं आती है मॉइस्चर के साथ। सनसेट क्या ज़बरदस्त हो रही है, मस्त, पता नहीं गोप्रो में कितना दिख रहा होगा, सामने में था, अभी आगे चल के दिखाता हूँ। सिग्नल रेड हो गया ना, ये मेट्रो वाला ब्रिज जब क्रॉस होगा तब दिखेगा सामने में। ये रहे सूर्यदेव बादलों के पीछे एकदम लुका छुपी खेलते हुए, पता नहीं गोप्रो में कितना दिख रहा होगा बट काफी सुंदर लग रहा है। हेलमेट का वाइजर हटाने के बाद बाइक का साउंड सुन के मजा आ जाता है यार, सीरियसली एक नंबर, ही गॉट ट्रिगर्ड एंड रेस करना है भाई को। ये फ्लाईओवर भी काफ़ी अच्छा लगता है रात में, लाइट वाइट वो जो जलता है
यार इस बाइक का फ़ायदा ये है ना कि मैं ऑलमोस्ट आज 60 किलोमीटर के अप्रोक्स चला चुका हूँ इस बाइक को ट्रैफिक के अंदर में और ऐसे एकदम स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में। बट मुझे ज़रा सा भी इस बाइक में वो नहीं लग रहा है, फैटीग या फिर रिस्ट में पेन, शोल्डर में पेन, ये सब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि इस बाइक का इतना अच्छा वेल डिज़ाइंड इसका पोस्चर है ना कि आपको बिल्कुल भी ज़रा फैटिक महसूस नहीं होगा। अगर आप किसी ऐसे बाइक से आ रहे हो जो कि पहले से ही आप स्पोर्ट्स बाइक में हो, सो वैसा है एक। सो जैसे कि मेरे पास पहले निंजा 300 थी, उसके पहले RC 390 थी, तो उनका भी मतलब निंजा 300 का तो एग्रेसिव नहीं था, इससे काफ़ी रिलैक्स ही था, बट हाँ RC 390 इसी के जैसे थी, इससे भी ज़्यादा अग्रेसिव थी। सो मुझे वो चीज़ लगता है कि काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इसका, अर्गोनॉमिक्स एंड पोस्चर। कैसे जा रहा है यार, ये बंदा तो मतलब इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ देखना ही नहीं है, मतलब ऐसे चला रहा है 4101। आप देख ही सकते हो कितना रैश ड्राइविंग कर रहा है ये बंदा। सो हाँ, जो भी हो, ये सारे डिस्ट्रैक्शन से हटके ये पोस्टर बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मतलब मैं तो ख़रीदने से पहले ये टेस्ट ड्राइव में भी नहीं थी ये बाइक। टेस्ट ड्राइव में कैसी रहेगी कावासाकी की, कोई भी बड़ी बाइक्स, महंगी बाइक्स टेस्ट ड्राइव में नहीं रहती है। 300 वगैरह रह जाता होगा, Z900 मिल जाता है, बट मैंने ये सब बाइक्स 6R वगैरह टेस्ट ड्राइव में कोलकाता में तो मैंने नहीं देखा है। होता होगा कहीं बड़े बड़े शोरूम्स में, एनजेन वगैरह में जो मुंबई में है, दिल्ली वगैरह में कुछ कुछ शोरूम्स में होते होंगे, बट यहाँ नहीं देखा है मैंने। सो टेस्ट ड्राइव करने से पहले ही मेरे को मैं कंफर्म था ऑलमोस्ट कि हाँ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, 6R की तरह तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 6R तो आप मतलब मैं बैठ के देखा था उसके ऊपर शोरूम में थी, तो वो काफ़ी मेरे को झुकना पड़ रहा था सामने। सो इट्स लाइक दैट कि हाँ ये ऐसी है कि मैंने आई डिडंट मेक अ रॉन्ग डिसीजन आफ्टर बाइंग दिस। सो वो एक है। बाइक का ओडोमीटर रीडिंग आप देख सकते हो 2222, 2222 किलोमीटर, काफ़ी अच्छा दिखा मुझे ऑल ऑफ अ सडन। सो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब 1000 किलोमीटर तो मेरा एक जब मैं राइड पे था पूरी वाले राइड पे तभी हो गया था, एंड अभी 2222 काफ़ी अच्छा नंबर लग रहा है मुझे। नाइस। और अभी जाके थोड़ा रास्ता मेरे को खाली दिख रहा है, बट ये वाला स्ट्रेच यार इतना अंडुलेशन है ना, इतना ज़्यादा अंडुलेशन है ना, इतना पैच वर्क है ना इस पर कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा पैच वर्क है। बट यार वही है ना, इस बाइक को सिटी में भी आराम है, हाईवे में भी मज़ा है, मतलब टेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड्स है। ज़बरदस्त बाइक बनाई है कावासाकी ने। मैं तो कहता हूँ यार कि ये 400-500 सीसी के अंदर में जो भी फोर सिलेंडर्स होती है ना, वो ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, ज़्यादा सेंसिबल लगता है एज़ कम्पेयर टू एनी 1000 CC और 800 CC। क्योंकि यार वो आप हर वक्त नहीं चला पाओगे, वो दैट कैनॉट बी योर रेगुलर बाइक, एंड दिस इज़ माई रेगुलर बाइक बींग अ 400 CC एंड हैविंग अ यू नो दैट टेस्ट ऑफ इनलाइन 4000 CC बाइक, इज़ अ गुड थिंग टू हैव। आपको दोनों स्वाद मिल रहा है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाइक निकालने से पहले आप 1000 CC क्या होता है, 600 CC, 800 CC क्या होता है, निकालने से पहले आपको सोचना पड़ेगा ट्रैफिक के अंदर में कैसे चलाऊंगा, हीट होगी, आपको मैनूवर में इशू होगा अगर आप नए नए हो तो। इन सब बाइक्स में क्या है, एकदम मस्त है, 400 CC है, पावर भी एकदम ज़बरदस्त है, ऑलमोस्ट 80 BHP है रैम एयर इनटेक लेके, एंड आपको मज़ा भी आएगा हाईवे पर, साउंड भी ज़बरदस्त है, फोर सिलेंडर का स्मूथनेस है, और क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाकी कंपनीज़ को भी इस पे काम करना चाहिए। मैंने सुना है होंडा भी एक 400 CC में इनलाइन 4 इंजन के साथ एक बाइक प्रोड्यूस करने वाली है। अब लेट्स सी कितना सही है वो न्यूज़, कब आती है वो बाइक, बट हाँ ऐसा कुछ है मैंने सुना है। अब अगर वो आती है तो इंडिया में कब आएगी वो भी एक बड़ा बात है, क्योंकि ये तो 2-3 साल पहले ही बाहर आ चुकी थी, बट इंडिया में अभी 2024 में लॉन्च हुई है। सो 1-2 साल बाद आएगी अगर वो, जब भी बाहर में
ग्लोबल लॉन्च अगर होता है तो एक दो साल में इंडिया में भी वो भी आ जाएगी। बट हाँ, होंडा का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि होंडा के दूसरे बाइक्स ही आ नहीं रहे हैं, तो 400 सीसी क्या ही लाएगा, आई डाउट। बट स्टिल दे आर वर्किंग एंड दे आर थिंकिंग कि हाँ, दिस कैन बी अ यू नो गुड इनिशिएटिव टू लॉन्च 400 सीसी बाइक्स विथ गुड पावर एंड मल्टी सिलेंडर। सो वो एक चीज़ है, काफ़ी ईजी लगता है मेरे को ये चलाना। तो लोग जो पूछते हैं कि मैंने 6R वो क्यों नहीं लिया, 6R भी ले सकते थे, बट 6R में मेरे को अभी ये सिटी में जो 60-70 किलोमीटर जो चलाता हूँ मैं रेगुलर, उसमें मेरे को ना बैंड बज गया होता, क्योंकि एक तो बड़ी बाइक है पहली बात, और उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा पावर है, एग्रेसिव पोस्चर है। सो मेरे लिए वो सूटेबल नहीं लगा मुझे। अगर आप आपका बॉडी आपका बिल्ट अगर वैसा है, लंबे चौड़े हो आपको, तो आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बाइक है आपको अच्छा लगेगा। तो मैं जस्ट बिकॉज 5 feet 5 inches है मेरा हाइट, तो उस हिसाब से मेरे को ये ज़्यादा सेंसिबल लगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि यार ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब अभी कोई भी ब्रांड का 400 सीसी में इनलाइन 4 इंजन नहीं आता है। सो ये मेरे को बड़ा ही यूनिक लगा, सो आई थॉट ऑफ बाइंग दिस बाइक। और 400 सीसी में ये साउंड मिले और क्या ही चाहिए किसी को। सो मज़े ही मज़े। और हमारे यहाँ पे जहाँ जस्ट बिकॉज ट्रैफिक थोड़ा कम है इस साइड में, तो यहाँ मैं देखता हूँ हवा में एकदम अलग सा ही चेंजेस है। यहाँ का हवा थोड़ा कम गर्म है एंड क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी भी बहुत कम है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द मेन सिटी। सो दैट थिंग इज़ देयर। थोड़ा आउटस्कर्ट्स पड़ जाता है हमारा वाला ये एरिया, कोलकाता से थोड़ा बाहर है, बट हाँ ठीक है, रहने लायक यार उतना रश नहीं है, उतना रश नहीं है इस साइड में, एंड काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू कोलकाता। यहाँ सामने में भी बैरिकेडिंग वगैरह कर रखा है लोगों ने। इस बैरिकेडिंग का यार क्या मतलब है बताओ, इस बैरिकेडिंग का कोई मतलब नहीं है। रात में तो यार ये रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं, मतलब जाके सीधा एकदम इंसान घुस जाएगा उसके अंदर। खैर एनीवेज, ये वाला एरिया देखो, ये रोड देखो यार, ये पूरा कोलकाता में ऐसा रोड कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना स्मूथ, इतना वेल पेव्ड रोड है, इतना कोई भी मतलब इसमें बारिश होने से भी कहीं पे भी पानी नहीं रुकता, इतना लेवलिंग अच्छा किया हुआ है इसका, क्योंकि एंडुलेशन नहीं है ना, तो जहाँ तहाँ पानी रुकता नहीं है, काफ़ी अच्छा से ड्रेन आउट हो जाता है पानी, और साथ में ये नाला भी है तो उसमें पानी चले जाते हैं, उधर का स्लोप दिया हुआ है। सो ये है। It's DJ.